टीवी एक्टर करण कुंद्रा भी आज उस वक्त शर्मिंदा हुए जब उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को बेहद आपत्तिजनक हालत में देखा। हालांकि करण कुंद्रा का अब अनुषा दांडेकर से कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन लोग अनुषा की बाहियात फोटो देकर करण कुंद्रा का नाम ले रहे हैं। लोग करण के नाम से अनुषा को बुरा भला कह रहे हैं। दरअसल अनुषा दांडेकर ने न्यूड फोटो शूट करवा कर इंस्टाग्राम पर शेयर किए, जिसे कुछ लोगों ने बाहियात बताया तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अच्छा ही है जो करण ने इसे छोड़ दिया। ये पहली बार नहीं है जब अनुषा दांडेकर ने न्यूड फोटो शूट करवाया। इससे पहले अनुषा टॉपलेस फोटो शूट करवा कर तहलका मचा चुकी है। इतना ही नहीं, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट तक बिकिनी और बोल्ड फोटो से भरा पड़ा है। कई लोग अनुषा की इन फोटोज की तारीफ भी कर रहे हैं तो कई लोग अनुषा को गंदी बातें बोल रहे हैं। अनुषा दांडेकर रियलिटी शो MTV लव स्कूल में करण कुंद्रा के कपड़े पहने हुए नजर आई थी। इस शो में अनुषा करण के कपड़े पहनने पर भी खूब ट्रोल हुई थी। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वो हमेशा उनके कपड़े पहनती है। अनुषा MTV लव स्कूल के एपिसोड में शर्ट पहने नजर आई थी। इस पर करण ने कहा था कि जब लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनती हैं तो और भी खूबसूरत लगती हैं। खैर, तब तो अनुषा और करण में प्यार था, लेकिन अब ये जोड़ी अलग हो चुकी है। वहीं अनुषा ने कहा, मुझे करण के कपड़े बहुत आरामदायक लगते हैं, ये हमेशा मजेदार हैं। आप अपनी टी शर्ट ड्रेस और शर्ट ड्रेस से उनकी टी शर्ट और शर्ट बदल सकते हैं, लेकिन तब इनके बीच प्यार था और अब ये जोड़ी अलग हो चुकी है। इतना ही नहीं, अब ये जोड़ी इस कदर अलग हुई है कि इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो तक कर दिया है। हाल ही में टीवी के जाने माने कपल करण कुंद्रा और अनुषा दांडेकर की ब्रेकअप की खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था कि आखिर 6 साल पुराना रिश्ता कैसे टूट सकता है। बाद में दोनों ने ब्रेकअप की खबर को अफवाह बताया था, लेकिन इतना तय था कि दोनों के बीच कुछ अनबन तो जरूर हुई है, जिसकी वजह से काफी वक्त से ये दोनों साथ नहीं रह रहे। वही ब्रेकअप के बीच ही करण कुंद्रा के बिग बॉस 14 में एंट्री की खबर सामने आई है, जिसके बाद करण कुंद्रा ने ऐसा जवाब दिया कि लोगों की मुंह की बोलती बंद हो गई। दरअसल बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट रहे विकास गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बार बिग बॉस में करण कुंद्रा को देखना चाहते हैं। विकास ने बताया कि मैंने कई बार करण से इस बारे में बात की कि वो बिग बॉस का हिस्सा बने, जिसके बाद अनुमान लगाए जा रहे हैं कि करण बिग बॉस 14 का हिस्सा जरूर बनेंगे। लेकिन जब इस बारे में करण से पूछा गया तो उन्होंने इसे अफवाह बता दिया। करण ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लॉकडाउन में ही मेरे बारे में इतनी अफवाह कौन उड़ा रहा है। वही दूसरी तरफ कई यूजर्स ने चुटकी भी ली। लोगों का कहना है कि अगर करण कुंद्रा बिग बॉस में आते हैं तो कम से कम उनके और अनुषा के ब्रेकअप का सच तो सामने आएगा। आपको बता दें, ब्रेकअप की खबरों पर जवाब देते हुए करण ने बताया था कि जो कोई भी है हमारी पर्सनल लाइफ में बोलने वाला, वो वाकई में बहुत बेला है, लेकिन मैं उसे 2-3 दिन में सबक सिखाऊंगा। करण की इन बातों से यकीन हो गया था कि जरूर इनके और अनुषा के रिश्ते के बीच कोई तीसरा शख्स है, जिसकी वजह से अनुषा और करण के बीच अनबन हुई है। करण ने कहा, जिस वक्त मेरे और अनुषा के ब्रेकअप की खबर सामने आई, उस वक्त मैं हरियाणा में शूटिंग कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे मुंबई आना पड़ा। करण ने बताया कि अफवाह बिल्कुल गलत उड़ रही है कि हम एक घर में नहीं रहते हैं। करण ने कहा, पहली बात तो हमारे अपने अलग अलग घर हैं और हम अपने अपने घर में रहते हैं, वो बात अलग है कि किसी दिन साथ में रहते हैं। करण ने कहा कि लॉकडाउन में मैं किसी को मुसीबत नहीं देना चाहता, इसलिए मैं अपने ही घर में रहना ठीक समझता हूँ। रही बात अनुषा की, तो मुझसे ज्यादा उसे ब्रेकअप की खबर से गुस्सा आया और हर्ट हुई वो, इसलिए उसने हेटर्स को अनाप शनाप सुनाया। करण को अपनी गर्लफ्रेंड अनुषा की इतनी चिंता हो गई थी कि उन्हें खुद मीडिया के सामने इंटरव्यू देना पड़ा। करण ने बताया कि अनुषा इन फालतू की बातों में अपना मुंह खोलना ठीक नहीं समझती है। आपको बता दें, ये जोड़ी करीब 6 साल से एक साथ रह रही है और स्पिरिचुअला, बिग बॉस, इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल जैसे कई शोज में नजर आ चुकी है। इन दिनों MTV पर लव स्कूल में कपल्स को प्यार का पाठ पढ़ा रही है। अब भले ही इस जोड़ी के बीच कुछ भी अनबन हुई हो, लेकिन लोगों के सामने इस जोड़ी ने अपने रिश्ते में कहीं भी दरार पैदा नहीं होने दी। अब 6 साल का रिलेशनशिप टूटेगा तो फैंस को झटका तो लगेगा ही। हालांकि अनुषा करण दोनों की बातों से लग रहा है कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ये भी पता चला है कि किसी शख्स की वजह से इस जोड़ी के बीच दरार आई है, क्योंकि करण कुंद्रा ने अब उस शख्स को कड़ी चुनौती दी है। जी हाँ, ब्रेकअप की खबरों के बीच जहां अनुषा ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वहीं करण कुंद्रा ने भी कड़ी चुनौती दे डाली।
अनुषा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, सोने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैं अपनी बात खुलकर रखने वालों में से हूँ और ये सुन सुनकर मैं अब थक चुकी हूँ, इसलिए मेरी चुप्पी को कमजोर मत समझो। मैं जानती हूँ कि कौन इस बात को लेकर मीडिया तक गया। मैं इस बात से हैरान हूँ कि जहाँ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है और आप किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर खिल्ली उड़ाते हो, किसी को लेकर आप कुछ भी बोलते हो। मुझे उम्मीद है कि आपके पास जिंदगी जीने के नए तरीके होंगे। आप मेरे दोस्त नहीं हैं। उन्होंने लिखा, उनके और करण के बीच सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसी खबरें मीडिया में चल रही हैं। जहाँ एक तरफ अनुषा ने अपने ब्रेकअप को बचाया तो वहीं करण ने बताया कि हाँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन करण ने आगे जो कहा उसे सुनकर पता चल गया कि करण भी उस शख्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं जिसने इनके रिश्ते में दरार पैदा की है। करण ने आगे कहा, एक्चुअली कुछ लोग काफी बेले हैं और जो भी हैं आप लोगों को एक या दो दिन में मालूम पड़ जाएगा। मतलब करण शायद अनुषा के साथ ही इस शख्स की मुंह की बोलती बंद करेंगे। और अब जो फोटो सामने आई है उसे देखकर फैंस ने अंदाजा लगा लिया है कि इनका ब्रेकअप क्लियर हो चुका है। जी हाँ, वायरल फोटोज में करण गर्लफ्रेंड अनुषा के साथ नहीं बल्कि एक्स गर्लफ्रेंड कृतिका कामरा के साथ नजर आए। दरअसल अनुषा से पहले करण कृतिका को डेट करते थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताया, लेकिन किसी कारण इनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और ब्रेकअप हो गया। ये दोनों तो अलग हो गए लेकिन इनके फैंस आज भी इन्हें एक साथ देखना चाहते हैं और अब फैंस की ये इच्छा भी पूरी होने वाली है। बेशक रियल लाइफ में नहीं लेकिन पर्दे पर ये दोनों एक साथ नजर आकर फैंस की डिमांड पूरी करने जा रहे हैं। इसी लाइफ के लिए करण और कृतिका साथ आए हैं। करण ने एक्स गर्लफ्रेंड कृतिका के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, भारी डिमांड पर और मारने की धमकियां मिलने के बाद कृतिका आज इंस्टाग्राम पर 6 बजे लाइव करने जा रही हैं और पूजा गौर भी हमसे जुड़ेंगी। सालों बाद इस जोड़ी को एक साथ देखकर फैंस खुश भी हैं और साथ ही हैरान भी हैं। हैरान इसलिए है क्या सच में करण अनुषा का ब्रेकअप हो गया है और अनुषा से ब्रेकअप करके कहीं करण फिर से कृतिका के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं जुड़ गए। अब करण अनुषा या कृतिका किसके साथ ज्यादा क्लोज हैं? वो तो इस लाइव चैट में ही पता चल जाएगा। आपको बता दें टीवी की सुपर हिट सीरियल कितनी मोहब्बत है से करण कुंद्रा और कृतिका की जोड़ी लोगों के दिलों में बस गई थी। वैसे आपको करण अनुषा या फिर करण कृतिका में से किसकी जोड़ी सबसे अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलम न्यूज रिपोर्ट।